बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये जो आप वीडियो इस टाइम देख रहे हैं, ये हालिया पेश आने वाला वाकया है जो कि ईरान में पेश आया है। ईरान में यूक्रेन का 180 मुसाफरों से लदा हुआ जहाज़ गिरकर तबाह हो गया है। ये बात पहले की जा रही थी, अभी हालिया तहकीक से ये बात सामने आई है कि इस त्यारे को एक मिसाइल हमले से गिराया गया है, जो कि ईरान ने भी मान लिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने यूक्रेन त्यारे की तबाही की तफसीलात भी तलब की हैं और हादसे की तमाम तर तहकीकात का मुतालबा भी किया है। दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ, जिनका कहना है कि वो ईरानी अवाम मुतासरा खानदानों और कौमों से बहुत माजरत और ताज़ियत करते हैं, अमेरिका के साथ इनकी जो हालिया जंग बंदी का मामला चल रहे हैं और जो एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे हैं, उनका इस बारे में यही कहना था कि हमने यही समझा कि ये अमेरिका की तरफ से कोई मिसाइल हम पर मारा जा रहा है, इसलिए इसको इंसानी गलती ही करार दिया जा सकता है। شهریار فردوسیه، بسم الله الرحمن الرحیم، خدای خود کمک کن. زمین زمین آتش